नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली फिर बनी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, लगातार चौथे साल नहीं बदले हालात। हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार, चौथी लहर के संकेत के बीच बोले कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर। भारत की नोवोवैक्स वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी, 12 से 18 साल तक के किशोरों को लगेगा टीका। पाकिस्तान और चीन पर भारत का पहला सर्विलांस सैटेलाइट के लिए 4000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। पीएम मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से की बात, यूक्रेन संकट और द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। चुनावी हार भुलाकर अब गुजरात पर कांग्रेस का फोकस, राहुल गांधी की पार्टी नेताओं संग बैठक, बीजेपी आप को रोकने के लिए बनाई खास रणनीति। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के कार्यकाल ने युद्ध से प्रभावित होने के लिए मानवीय सहायता वेबसाइट की लॉन्च। महाराष्ट्र को बदनाम करने के बजाय बीजेपी पीएम मोदी को बदनाम करे, महंगाई पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस हमलावर, कहा सरकार अपनी जेब में डाल रही जनता के 10,000 करोड़ रुपए। पेट्रोल गैस की कीमत में इजाफे पर शशि थरूर ने केंद्र को घेरा, कहा चुनाव से पहले वोटर्स को चोट पहुंचाने से बचाया फिर कीमतों को बढ़ाया। सैटेलाइट से की जाएगी चीन और पाकिस्तान सीमा की निगरानी, 4000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को जताया शॉर्टकट ना अपनाए, सभी मुद्दों पर बताए अपने निष्कर्ष। रूस यूक्रेन के बीच क्वाड देशों ने भारत पर दबाव बनाया किया शुरू। प्रस्तावित नए पर्यटन नीति को जल्द मिल सकती है मंजूरी, पहले चरण में 100 स्मार्ट टूरिस्ट प्लेस होंगे विकसित। गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सुलजम 2.0 अभियान शुरू, ग्रामीण इलाकों में ग्रे वाटर को साफ करने और उसके इस्तेमाल पर जोर। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से मिशन लोकसभा चुनाव 2024 पर निशाना साधेगी भाजपा। विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन देने की शुरू हुई तैयारी, गोरखपुर लाए गए 27,000 टैबलेट और स्मार्टफोन। मुजफ्फरनगर में सर शादीलाल डिजिटलरी पर बड़ी कार्रवाई, उत्पाद और संचालन हुआ बंद। जेल से निकलकर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों को फिर दिया गया वारदात को अंजाम।
सेवानिवृत्त आईपीएस समेत 20 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर। लखनऊ में करोड़ों की हेराफेरी का मामला। गोरखपुर में लोगों को आवास देने की तैयारी। डूडा ने तैयार की सूची। हसनापुर में उत्खनन काफी गहराई पर मिली चौड़ी ईंटों की दीवार। विशेषज्ञों ने लिए हड्डियों के सैंपल। रेल यात्रियों को बड़ी राहत। सभी स्पेशल ट्रेनों में शुरू हुई जनरल टिकट का यात्रा। चीन, कोरिया और इजराइल में कोरोना का नया संक्रमण तेज। दिल्ली में भी खतरा। लगातार की जा रही निगरानी। स्मार्ट सिटी में शामिल अलीगढ़ की सड़कें विकसित होने को बेकरार। नहीं सुन रही सरकार। अखिलेश यादव और आजम खान का लोकसभा से इस्तीफा। सपा की विधानसभा में मजबूत विपक्ष देने की तैयारी। एटा मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के पर्चे खारिज। बुलंदशहर में रालोद प्रत्याशी ने किया नाम वापस। फर्रुखाबाद में ग्रामीण की हत्या में पूर्व प्रधान सहित 7 को आजीवन कारावास। रंजिश के चलते 23 साल पहले मारी थी गोली। शैक्षिक सत्र के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के खास निर्देश। पुरानी किताबों से ही होगी पढ़ाई। अयोध्या में दर्दनाक हादसा। ईयरफोन लगाकर रोड रोलर चला रहे चालक की लापरवाही से युवती की मौत। उत्तराखंड लोअर पीसीएस में छात्रों को परीक्षा की अनुमति देने के साथ ही कोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब। उत्तराखंड में मौसम बना हुआ है शुष्क। छटक धूप छुड़ा रही है पसीने। चारधाम यात्रा मार्ग पर चेक पोस्ट खोलने की तैयारी। इसके लिए 6 स्थान किए गए हैं चिन्हित। उत्तराखंड में आए कोरोना के 22 नए मामले। सक्रिय मामले भी 300 के नीचे आए। रुद्रपुर में हत्या के बाद शव दफनाने के मामले में चौथे आरोपित की तलाश में पुलिस। साइबर ठगों ने 2 व्यक्तियों से हड़पे 1,82,000 रुपए। पर्यटन स्थल लाखा मंडल में टीवी सीरियल की हुई शूटिंग। कलाकारों को देखने के लिए उमड़े ग्रामीण। गुरुवार से तापमान में मामूली गिरावट। मार्च के अंतिम सप्ताह में बढ़ेगी गर्मी। बेंगलुरु की अदरक ने तोड़ी उत्तराखंड के किसानों की कमर। 300 क्विंटल पहाड़ी अदरक सड़ा। जल्द आसान होगा कोटद्वार से हरिद्वार का सफर।
पेट्रोलियम पदार्थ और रसोई गैस के दाम बढ़ने से लोगों को दोहरा झटका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंडी संस्कृति की झलक। ऋषिकेश में है कई खतरनाक गंगा घाट, लापरवाही की डुबकी पड़ सकती है भारी। बदहाल है उत्तराखंड का पहला मेडिकल कॉलेज जो सीएम धामी से लगाए हैं आस। बीजेपी ने सुलझाया सीएम का मामला, कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर विधायक हैं आमने सामने। बाइडेन के बयान ने बढ़ाई हलचल, कहा जल्द बनेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यूएस के हाथों में होगी कमान। चीन में क्रैश हुए विमान में सवार सभी लोगों की मौत, अधिकारी ने कहा हादसे के बाद कोई नहीं बचा जिंदा। इसराइल में चाकूबाजी की घटना, हमलावर ने दो महिलाओं समेत चार लोगों की चाकू मारकर की हत्या। इमरान खान ने ओआईसी में अलापा कश्मीरी राग, कहा अवैध तरीके से हटाया गया विशेष दर्जा मगर उइगरों पर साधी चुप्पी। मारियोपोल पर गिराए गए दो सुपर शक्तिशाली बम, 1 लाख लोग छोड़ना चाहते हैं शहर। श्रीलंका में गहराया ईंधन संकट, पेट्रोल पंपों पर तैनात हुए सेना सैनिकों की मौजूदगी में बांटा जा रहा। पीएम इमरान खान पर चुनाव आयोग ने लगाया जुर्माना, बिना इजाजत की थी जनसभा। अप्रैल में भारत के दौरे पर आएंगे इसराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट, बेहद खास है वजह, पीएम मोदी ने भेजा है निमंत्रण। अमेरिका के मैकडॉनल्ड्स को मिर्ची लगाएगा रूस का अंकल वान, जल्द खुलेंगे कई आउटलेट्स। पाकिस्तानी वायुसेना का विमान पेशावर में क्रैश, दो पायलटों की मौत। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन हुई कोरोना पॉजिटिव, बिल भी हुए क्वारंटीन। विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव से संकट में पाक सरकार, देरी की रणनीति अपना रहे इमरान। इसराइल में चार लोगों की चाकू मारकर हत्या, मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर को भी उतारा मौत के घाट। नाटो शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए जेलेंस्की को किया गया आमंत्रित, यूक्रेन के हालातों पर होगी चर्चा। पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की बात फोन पर, बात यूक्रेन के साथ हुई शांति वार्ता को लेकर की चर्चा। वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा झटका, बाहर हुआ तेज गेंदबाज क्रेन रिचर्डसन हैमस्ट्रिंग।
आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक आरसीबी की तरफ से लगे हैं, तो वहीं केकेआर है सबसे फिसड्डी। मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2022 की शुरुआत में ही लगा बड़ा झटका, पहले मैच में नहीं खेलेंगे रणबांकुर। दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने चौंकाया 25 साल की उम्र में, अचानक लिया टेनिस से संन्यास। भारतीय पैरा एथलीट धर्मवीर ने बनाया नया एशियाई रिकॉर्ड, जीता रजत पदक। पहलवान बजरंग पूनिया और अमित सरोहा को वित्तीय मदद, खेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। पूरी तरह बदल गई है सनराइज हैदराबाद, बेहतरीन मैच विनर्स के दम पर जीत सकती है दूसरा खिताब। वर्ल्ड नंबर वन टेनिस स्टार एश्ले बार्टी का क्रिकेट कनेक्शन, रैकेट छोड़ उठाया बल्ला और फिर वापसी करते ही बनी वर्ल्ड नंबर वन। त्रिवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण से सम्मानित, अवार्ड मिलने के बाद कहा अब मैं पदक जीतना है। विराट कोहली को अगले साल वापस मिल सकती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम कप्तानी, आर अश्विन ने बताई वजह। पूर्व भारतीय ओपनर हैरान, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी को रिटेन करने पर जताई आश्चर्य। बल्लेबाजी में फ्लॉप हो रहे धोनी को अब आईपीएल में कहां करनी चाहिए बल्लेबाजी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया सुझाव। जोरदार है लखनऊ सुपर जायंट्स का थीम सॉन्ग, बॉलीवुड सुपरस्टार ने किया वीडियो डायरेक्ट। आईपीएल 2022 से पहले राशिद खान ने ठोका ताल, कहा मैं किसी भी हालत में चिंता में नहीं आता। राजस्थान रॉयल्स के लिए आरसीबी का पुराना ओपनर बल्लेबाज बनाएगा सबसे ज्यादा रन आकाश चोपड़ा की भविष्यवाणी। अमेरिकी बाजारों में शुरुआती बढ़त, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी। संसदीय समिति ने सरकार को चेताया फंसे कर्ज में कमी को लेकर जल्द उत्साहित न हो। हाईवे पर सफर होगा सस्ता, 60 किलोमीटर पर सिर्फ एक बार टोल, स्थानीय लोगों को मिलेगी पास। रिलायंस और आईटी स्टॉक ने दिखाया दम, सेंसेक्स करीब 700 अंक उछला। भारत ने समय से पहले हासिल किया 400 अरब डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट का लक्ष्य, पीएम मोदी ने दी बधाई। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल के घर दफ्तर में आईडी रेड। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने ग्राहकों को किया आगाह।
IRCTC के टूर पैकेज में है कई सारे स्कीम। शिमला कुल्लू मनाली की कर सकते हैं शेयर। HDFC म्यूचुअल फंड डिफेंस सेक्टर से जुड़ा पहला फंड लाने की तैयारी। सेबी के पास दिया आवेदन। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सरकार की बड़ी योजना। 16 हाईवे पर दोनों तरफ से 1574 चार्जिंग स्टेशन को मिली मंजूरी। कोरोना महामारी के दौरान बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की मांग। 3 में 1 बीमा पॉलिसी महिलाओं के नाम। घरों के दाम बढ़ने के मामले में 91 स्थान पर भारत 2020 के मुकाबले 5 स्थान की लगाई छलांग। अडानी पावर में 6 कंपनियों का होगा विलय। बोर्ड ने दी मंजूरी। ICICI प्रू म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड का NFO। 11 अप्रैल तक है निवेश का मौका। राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अजय देवगन और अनुपम खेर ने शहीद दिवस पर शहीदों को किया याद। कहा आपके विचार हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब में अलग अंदाज में दिखेंगे राजकुमार राव। सामने आया फर्स्ट लुक। से पहले शनाया कपूर ने खरीदा करोड़ों की लग्जरी कार। सामने आई खास तस्वीरें। द कश्मीर फाइल्स के आगे फीकी पड़ी अक्षय कुमार की बच्चन पांडे। पार्टू में अल्लू अर्जुन के साथ सामांथा रूथ प्रभु नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी आएंगी नजर। अपनी अगली फिल्म में हर्षवर्धन राडे और मिजान जाफरी के साथ नजर आएंगे एक्ट्रेस साहिर पंगा। नुसरत भरूचा और सन्नी कौशल का गाया गाना क्या यही प्यारे हुआ रिलीज। दोनों की जुनून से भरी दिखी लाजवाब केमिस्ट्री। पंद्रह साल की उम्र में घर से भाग गई थी कंगना रनौत। आज है फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन। जौहर ढूंढ रहे हैं परिणीति चोपड़ा के लिए दूल्हा। हुनरबाज के मंच पर होगा परी का स्वयंवर। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जारी किया समन। 5 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार।